अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम खान CPS का मेंबर हूं और नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर का प्रिंसिपल हूं। काफ़ी अरसे से मैं दावत का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दावत का काम हम जब करते हैं और किसी को कुरान देते हैं तो उसका एकदम जवाब होता है कि इस वक्त जिनके पास में, जिस कौम के पास में कुरान है, उसकी हालत बद से बदतर है। वो ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप हमें ये दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम भी नॉन क्रिएटिव हो जाएं। तो जब इस तरह की बात होती है तो दिल में बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने महसूस किया, आप दूसरे लोग भी कहते हैं कि आपके यहाँ दे इब्ने तवैया से लेकर के अल्लामा इकबाल तक बहुत टॉप टॉप के लीडर्स हुए हैं और आप लोग उन लोगों को शेखुल हिंद और तमाम शेखुल इस्लाम बताते हैं, लेकिन वो उनका अचीवमेंट कुछ रहा नहीं। तकरीबन कई सौ सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो भी काम करते हैं उन्हें शिकस्त मिलती है इसमें। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि कहीं ना कहीं हम अल्लाह की रहमत से दूर हैं। तो इस अल्लाह की रहमत से दूर होने के साथ में मैंने महसूस किया कि हम लोग कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन कारोबार की बरकत के लिए मौत पर उसको जब उसकी सज़ा माफ़ हो जाए, खुदा के यहाँ उसको जन्नत मिल जाए, इसके लिए पढ़ते हैं, या कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, या हिफ्ज़ करने के लिए पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें मेरे जहन में आई। मैंने देखा कि कुरान को गौर से पढ़ा जाए, कंटेम्पलेशन के लेवल पे पढ़ा जाए। तो मैंने सोचा कि इसको कंटेम्पलेशन के लेवल पे पढ़ने के लिए, तो जैसे मैंने कुरान खोला तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सी आयत ऐसी हैं जिनको हमारे जो आलिम हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो वक्त के साथ मौकूफ़ हो जाती हैं। तो हमने देखा कि हमने कुरान खोला, गौर की, बहुत सी आयतें देखा कि हिजरी दो में, हिजरी तीन में, हिजरी चार में तीन जंगें हुई, जो डिफेंसिव जंग थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लड़ी वो डिफेंस के लिए, शांति कायम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो सफलता नहीं मिली जो कि खुदा को मतलूब थी। तो उसके बाद में हिजरी छः में आपको एक ख्वाब आया, उस ख्वाब को आप पूरा करने के लिए, उमरा करने के लिए मक्का जाने लगे, उनको मुशरिकीन ने हुदैबिया के मुकाम पर रोक दिया। तो हुदैबिया के मुकाम पर जब रुके तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे किया, जिसे हुदैबिया एग्रीमेंट कहते हैं। तो इस एग्रीमेंट में सारी शर्तें मुशरिकीन की मानी गई और इसमें एक तरफा तौर पर यह कहना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी टीम पर या उनके फॉलोअर्स पर जुल्म किया गया इस एग्रीमेंट के तहत। लेकिन आप देखेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी के साथ में इस पर, हत्ता कि यहाँ तक कि जब वो लिखने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बोले हमें तो इस बात पर एतराज़ है, आप लिखिए इसमें अपने वालिद का नाम लिखिए तो इसको मिटोइए आप। तो इस पर हज़रत अली ने इसको मिटाना मना कर दिया मिटाने से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली से खुद मिटाया और वही लिखा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो ये आप देखें कि हम लोग ख़ास तौर से मुस्लिम्स जो हैं आज बेमकसद गिरोह बन के रह गए हैं, और जो इंसान ज़ाती तौर पर या कोई कौम बेमकसद या आला मकसद या कोई पायस मिशन उनके पास नहीं होता तो वो कौम ज़िल्लत में चली जाती है, वो कौम नॉन क्रिएटिव हो जाती है, उस कौम की इज़्ज़त दुनिया में ख़त्म हो जाती है, खुदा की रहमत से वो दूर हो जाती है। तो आज देखते हैं हम सारे मुसलमान जो हैं शिकायतों में जी रहे हैं, सारे मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, सारे मुसलमान नफरत करते हैं मधु कौमों से। तो जब ये बातें हमारे सामने आ रही हैं तो हमने देखा कि सारे मुसलमान अभी पिछले इलेक्शन में देखा कि एक मखसूस पार्टी के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के पारेश और बेरेश, यानी कि दाढ़ी वाले उलेमा भी और इस्कॉलर भी जो मुस्लिम इस्कॉलर्स माने जाते हैं, उन सब ने उसकी मुखालफत की। और मुखालफत की तो देखिए फिर भी उसे अल्लाह ने फतेह दी। तो मैंने देखा कि अगर आप मुत्तहद भी हों तो वो भी विजडम के साथ हों। दो तरीके हैं मुत्तहद होने के, एक तो माचिस की तिल्ली की तरह यानी दिया सलाई की तरह कि हम लोग बहुत सारे सर हों खड़े हो जाए, तरह से भी रगड़ लग जाए माचिस की तिल्ली पर फौरन आग लग जाती है। और जो विजडम वाले लोग होते हैं जिनमें दिमाग होता है, वो जब साथ होते हैं तो वो रिटेलिएशन या रिएक्शन नहीं करते बल्कि वो समझदारी के साथ में अपनी प्लानिंग करते हैं, और अगर प्लानिंग फेल हो जाती है तो रिप्लानिंग करते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी प्लानिंग करें और वो सूरह
जो अल-फतेह है, मैं समझता हूँ जहाँ पर शुरू होती है ना फतेह न लगा फतहन मुबीना से लेकर वादल्लाहु अल्लज़ी आमनु व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन अजरन अज़ीमा, इसको समझें बहुत गहराई से, क्योंकि ये कुरान की मैं समझता हूँ और सूरतें जैसे इम्पोर्टेंट हैं, ये जड़ है, ये समझ लीजिए विजडम देती है, ये एक माहौल देती है, ये जो सूरत है ये अमन कायम करती है, और जब अमन कायम होगा तो खुद ब खुद आपकी बात मानी जाएगी, खुद ब खुद निगोशिएशन होगा, खुद ब खुद कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि आज अल्लाह ने जो एज बनाई है वो एज ऑफ पीस है, एज ऑफ पीस की ये खसूसियत होती है कि आप अपनी बात को बहुत इत्मीनान के साथ में लोगों को पहुँचा दें, और लोगों को वो रीज़न बेस्ड लगती है तो उसे अडोप्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि आप का किरदार भी अच्छा हो, बशर्ते कि आप नफरत उनसे नफरत ना करते हों, बशर्ते कि आपकी इमेज ख़राब ना हुई हो। तो मैं समझता नहीं कि इस वक्त किसी सेक्ट की या किसी आदमी की ऐसी कोई इमेज नहीं है, ख़ासतौर से मधु कौमों में, जो कि वो एक्सेप्ट कर लें उसकी बात को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस सूरत को इंशाल्लाह, अब चूँकि ये बात मेरी लंबी हो जा रही है, मैं चाहता हूँ कि आप कंटेम्प्लेशन लेवल पर और मुस्तहदाना तदब्बुर के साथ में कुरान को पढ़ें, और कुरान की उन आयतों को जो फ़िलहाल जिनको मौकूफ़ हो गई हैं, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, जो अल्लाह ताला ने खुद माहौल के हिसाब से बताई थी, वो ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन जब इस वक्त जो माहौल है वो एज ऑफ पीस का है, तो इसमें पीस की बात होनी चाहिए, और जो हमारी ये सूरत है ख़ासतौर से अल-फतेह, इसमें प्रैक्टिकल पीस कैसे इस्टेब्लिश की जाए, इसका पहला नमूना है पूरी तारीख में, इंसानी तारीख में इससे अच्छा नमूना नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि इस पीस को कैसे कायम करें और कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, शांति की बात कैसे लोगों को सच्चाई पहुँचाएँ, कैसे लोगों को दावत पहुँचाएँ, तो इसके लिए सूरह अल-फतेह पढ़ना तदब्बुर के लेवल पर, कंटेम्प्लेशन के लेवल पर ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।